हेलो एवरीवन, आज की जो डिज़ाइन है ना, सच में बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी, और मतलब ना ही हम लोग को इसके अंदर ड्राई शेड देना या वेट शेड देना है, मीन्स कुछ कैसे भी करना है, ऐसा कुछ ऐसे परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो मेरा फैब्रिक है ना, जिसके ऊपर मैं ये कर रही हूँ, डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जो कपड़ा है जो मेरा, वो कॉटन का मटेरियल है, बट थोड़ा मोटा वाला कॉटन है, जो बेडशीट का होता है ना, वो कॉटन है। जैसा कि मैं बताई कि आज की डिज़ाइन एकदम ज़्यादा ही सिंपल इजी है, तो कैसा कभी कभी कोई कोई डिज़ाइन ऐसा थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी भी रहती है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहती बट अच्छी लगती है, तो बस वही थोड़ा बहुत डिज़ाइन मैं बनाने की कोशिश करी हूँ। और ना इसको यहाँ पे एक फ्लावर बनाई हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर, मीन्स दो फ्लावर बनाई हूँ ये डिज़ाइन में मैं। यहाँ पे ना मैं डबल जो दो दो पेटल्स होती है ना फ्लावर की, वो बना रही थी, बट मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी, तो मैं इसको मिटा के फिर नॉर्मल सा सादा सा ऐसे फ्लावर ड्रॉ कर दी। ये जो डिज़ाइन है ना, जैसे हम लोग कुर्ती वगैरह पे नेक के पास जो शोल्डर के साइड में थोड़ा सा बनाते हैं और नीचे तरफ बनाते हैं, तो वो सब जगह पे हम लोग बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा प्यारी बनेगी। और अभी देखना आगे आप लोग वीडियो में, और कितना इजी है इसको बनाना, ड्रॉ बनाकर, मतलब ड्रॉ करना भी इसके बहुत इजी है और पेंट करना भी बहुत इजी है। और ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता ना कपड़े पे किस तरीके से या किस तरफ हम लोग ये डिज़ाइन को बना के ड्रॉ करें, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी उस पर भी वीडियो है, तो देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और देखिए, सबसे पहले ना मैं ये ऑलिव ग्रीन कलर ली हूँ, और ये जो येलो वाला कलर है ना, ये लेमन येलो कलर है, बट फेविक्रिल कंपनी का, ये चीज़ याद रखना। तो असल में कलर के कंपनी के हिसाब से ना कलर शेड अलग आ जाता है, तो फेविक्रिल का लेमन येलो इस तरीके से है, और फेविक्रिल का लेमन येलो थोड़ा अलग शेड का है। और ये ब्रश जो है मेरा 1 नंबर का फ्लैट ब्रश है, अगर आप लोगों को ये वाला ब्रश चाहिए तो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। तो देखिए, मैं ना सबसे पहले ये येलो कलर लगा ली हूँ, अब ब्रश के देखिए पूरे नीचे के हिस्से पे मैं कलर लगा रही हूँ ये ऑलिव ग्रीन, और लगाने के बाद में ना बस देखिए इसी तरीके से आउटलाइन करके और बीच में बस करना है, मतलब ब्रश अपने को चलाना है। मीन्स इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से शेड रहना चाहिए उधर से, या एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है ये सब डिज़ाइन में। बस हम लोगों को ना वो जो ब्रश का जो स्ट्रोक है ना, जैसे कहीं डार्क ग्रीन दिख रहा है, जो कहीं लाइट ग्रीन, वो चीज़ उसको एज इट इज़ रखना है, वो चीज़ दिखाना है ये डिज़ाइन में। अभी देखिए ये वाली लीफ मैं कर रही हूँ, तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए, ये सबसे पहले मैं ब्रश के नीचे के हिस्से पे कलर ली, और बस उसको पहले एक आउटलाइनिंग कर दूंगी या थोड़ा सा बीच में चला दूंगी ब्रश, बस ये हो गई। इसी तरीके से रखना है हम लोगों को ये पत्ती, तो इसलिए मैं बताई नहीं, बहुत इजी डिज़ाइन है। ड्राई शेड में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है ना, एक तरफ थोड़ा सा लाइट करना पड़ता है हाफ पार्ट में, और उसके अपोजिट साइड, और वेट शेड में भी इसको कलर को अच्छे से हम लोग को ब्लेंड करना होता है। बट ये जो मैं आज की डिज़ाइन बनाई हूँ ना, तो ये एकदम ईजी एकदम सिंपल है, मीन्स जो बिल्कुल कभी भी पेंटिंग नहीं किया ना, वो भी बस ब्रश लेकर के अपना कलर लेके उसको थोड़ा बहुत इस तरीके से आउटलाइन करके भी कर सकता है।
तो ये देखिए बस इसी तरीके से लीफ कंप्लीट हो गई है। ये मेरा येलो कलर एकदम ख़त्म हो गया था ना, तो इसलिए वो मैं डायरेक्ट बॉटल से ही ले रही हूँ। अब ये जो डंठल होती है, स्टेम्प होती है ना, इसके इस पर हम लोग आउटलाइनिंग कर देंगे। अब हल्का सा ब्रश पे भी ग्रीन कलर लेके, ऑलिव ग्रीन कलर लेके बस उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चला देंगे, रिपीट कर देंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया ये। अब देखिए मैं ब्रश को वॉश कर रही हूँ और वॉश करके कपड़े से साफ कर ली हूँ, मीन्स पोंछ के सूखा कर ली। और ना ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब कपड़ा हम लोग हाथ में लेके रखते हैं ना पोंछने के लिए ब्रश, वो प्योर कॉटन का ही होना चाहिए या हौजरी मटेरियल होना चाहिए जो पानी पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और ये सिंथेटिक फैब्रिक नहीं चलेगा। और देखिए सबसे पहले मैं ये गोल्डन येलो पूरे अपने फ्लावर में फिल कर ली पूरे। अब ब्रश के देखिए नीचे के हिस्से पे मैं पूरा रेड कलर लगाई हूँ, और क्रिम्सन रेड कलर है ये। अब चलाने रेड लगाने के बाद में देखिए मैं ब्रश को ना सीधा ही उसमें शेड दे रही हूँ उसी के, मीन्स ब्रश को मैं देखिए खड़ा करके ही चला रही हूँ, पूरे नीचे के हिस्से पे वो शेड दे रही हूँ, या समझ लो शेड कह लो या स्ट्रोक, सीधा सीधा बस अपना लगा रही हूँ रेड कलर का ब्रश से। ये देखिए यहाँ पे ना दोनों पेटल्स के बीच में ना गैप समझ में नहीं आ रहा था, तो देखिए इसको मैं नीचे तक के रेड कर दी। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तब आप पता चलेगा ना कि वो एक अलग पत्ती है फ्लावर की, ये एक अलग है, तो उसको एकदम सेम सेम नहीं रखना है कभी भी। कोई हर एक डिज़ाइन में मैं ये चीज़ बताती हूँ, कभी भी बाजू बाजू की दोनों पेटल्स को सेम नहीं रखना है, उसमें डिफरेंस दिखाना ज़रूरी है। तो ये जो बोलते हैं ना सब लोग आपकी पेंटिंग अलग होती है, तो यही चीज़ इसमें अलग होती है। पहले पता नहीं पहले कैसे सब करते थे, बट अब देखिए ये जो डिज़ाइन में चेंजेस है ना यही है, पेटल्स पूरी एक पता चलती है अलग अलग दिखाने के लिए, उसको हम लोगों को इस तरीके से करना रहता है, डार्क लाइट कलर करना रहता है इधर उधर आजू बाजू में, तो उससे प्रॉपर समझ में आता है ना वो एक अलग पेटल्स है, वो वहाँ से शुरू हुई वो वहाँ से ख़त्म हुई, वो चीज़ उसमें दिखाई देती है। ब्रश को देखिए मैं सीधा ही चला रही हूँ मैं,
अब ये फ्लावर के बीच में भी मैं गोल्डन येलो पहले पूरा फिल कर ली हूँ, फिर उसमें ब्लैक कलर से डॉट डॉट दे रही हूँ। और ये जो डॉट मैं जो दे रही हूँ ना, इसके लिए मैं 000 नंबर का ब्रश यूज़ की हूँ, कैमल कंपनी का। गोल्ड कलर है इसका नाम है। और ना इससे मैं फिर देखिए किस तरीके से 000 नंबर के ब्रश से मैं अपने ये फ्लावर के किनारे आउटलाइनिंग नहीं कहूँगी, देखिए थोड़ा सा हल्का सा मैं ना एस के जैसा उसको कर रही हूँ। मैं जूम करके दिखाई हूँ, देखिए हल्का हल्का सा कट कर करके हम लोग करेंगे, एकदम डायरेक्टली आउटलाइन नहीं बनाना है। हल्का सा देखिए टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं ना, जो एस एस जैसा छोटा छोटा सा करके हम लोगों को इस तरीके से आउटलाइनिंग करना है। और ये देखिए पूरा फ्लावर का कंप्लीट हो गया है। और ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से ना कैसे मतलब ये कलर चेंज हो गया, या मींस मैं वीडियो फिर बनाना जब शुरू की हूँ, जब वो पूरी पेटल्स बाकी कंप्लीट करने के बाद में, तो ये क्यों ऐसा रिकॉर्ड हुआ। अब मैं वीडियो जब एडिट वगैरह करने बैठी हूँ तब मैं ये चीज़ देख रही हूँ। मैं देखिए कभी भी अपने वीडियो में फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं करती, कभी भी नहीं, चाहे वो थंबनेल के लिए भी जो मैं पिक लेती हूँ उसके लिए भी मैं फ़िल्टर नहीं यूज़ करती हूँ, ज़रा भी नहीं। बट आज ये कैसे इस तरीके से उतने डिज़ाइन में उतना कलर उस तरीके से हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया। और इसी तरीके से ना लीफ के भी किनारे हम लोग कर लेंगे। ये देखिए पूरी कंप्लीट डिजाइन। और अब ना ये एक कलर है मेरे पास, ये देखिए पर्ल वाइट कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है, मीन्स इसके अंदर हल्की सी शीन है। तो देखिए ये जो ब्रश के जो पीछे का जो हिस्सा होता है ना, इसको मैं शार्पनर करके इस तरह से थोड़ा सा पॉइंटेड बना दूंगी, फिर उससे ना डॉट डॉट दे दूंगी अपने ये फ्लावर पैटर सॉरी ये पत्ती के बीच में। और ये जो डिज़ाइन है ना ऑर्गेन्जा दुपट्टे पे भी बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी डिज़ाइन लगेगी। इस तरीके से हम लोग ये जो पर्ल वाला वाइट कलर है इसका यूज़ करके हम लोग बनाएंगे ना ये डिज़ाइन को, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और मैं ना फिर बाद में ना लास्ट में ना फोटो भी लगा दी कि आप लोगों को कलर समझ में आ जाए कि मीन्स इसका कलर असली ओरिजिनल जो कलर है मेरे वीडियो का क्या था। तो जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।